वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगमोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। वे आज प्रातःकाल ही राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। जेडीएस के कार्यकारी अध्यक्ष एमएस नारायण राव ने पार्टी के सभी नेताओं, प्रवक्ताओं और विधायकों को परिपत्र जारी करते हुए कहा कि वे टीवी डिबेट शो में भाग न लें और मीडिया को कोई बयान भी न दें। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8 दर्ज की गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ मुलाकात की। दसूहा के नजदीकी गांव गौरसिया में शराब के ठेके पर अज्ञात युवकों ने गोलियां चलाकर ठेके के करिंदे गगनदीप से लगभग 3,460 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए, जबकि अज्ञात युवकों द्वारा की गई फायरिंग में ठेके के करिंदा बाल बाल बच गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशायरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की, उसकी चपेट में आकर मोहम्मद इशाक नाम का एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर में रविवार को दो मालवाहक जहाजों के बीच टक्कर के बाद चालक दल के 4 सदस्य लापता हो गए। नाइजीरिया के पूर्व उत्तर के बोको हराम आतंकवादी समूह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 25 सैनिकों और कई नागरिकों की मौत हो गई। निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 दर्ज की गई।